अभी क्या शेयर हो रहा है क्या मेरी स्क्रीन? नहीं नहीं हो रहा है, तो इसको रन देते हैं, नेक्स्ट टाइम देख लेंगे, समय हो चुका है। वैसे तो यहाँ लिखा, चलिए कोई बात नहीं मैम, व्याख्यान स्टार्ट कर रही हूँ मैं, जरा बीच में एक बार, तब तक ट्राई करती हूँ। ठीक है, है ना, ऐसा हो सकता है, शायद होना तो चाहिए। आइए, समय हो चुका है, सब मिलकर के मंगलाचरण करते हैं। तुम ही न पिता बनो, इस मंत्र का पाठ करते हैं। ओम त्वम ही नः पिता वशो, त्वम माता सतक्रतो बभूवीथ, अधाते सुम्नमि महे। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। आज के इस पवित्र वेद व्याख्यान के सत्र में उपस्थित सभी विद्वत समुदाय, महाशक्ति, धर्म प्रेमी सज्जनों, आप सभी लोगों को वेद संस्थान की ओर से अभिवादन है। और बड़ा ही हर्ष का विषय है कि आज वेद व्याख्यान सत्र की जो पुरोधात्री है, आगे आगे इस सत्र को ले जाने वाली विदुषी है, वह हमारे ही संस्थान के चिर परिचित विदुषी शशि तिवारी मैडम जी हैं। मैडम जी वेद संस्थान की कर्मठ कार्यकर्ती है, अनेक दशकों से, मैं समझता हूँ जब से वो दिल्ली आई हैं तब से वेद संस्थान के साथ उनका घनिष्ठ संबंध है। वेद संस्थान में 15-17 वेद गोष्ठियां आयोजित हुई हैं, मैडम जी की भागीदारी सक्रियता के साथ उन सभी गोष्ठी में रही है। फिलहाल 11 सितंबर को जो बहुत ही बढ़िया प्रोफेसर महावीर अग्रवाल जी का हुआ, जिसमें वैदिक जीवन पद्धति पर प्रकाश डाला गया है, तो उसका सारा श्रेय मैडम जी को प्राप्त होता है। तो मैडम जी वैदिक साहित्य का लेखन कार्य भी करती हैं और फिर साथ में वेद गोष्ठियां संचालित करती हैं, जैसे अभी विदुषी अपर्णा जी जैसी कार्यकर्त्री उनके पास हैं, वेरा जैसे लोग इनके सहयोगी हैं, तो निश्चित रूप से दिल्ली में वेद के प्रचार प्रसार के लिए, भारतवर्ष में वेद के प्रचार प्रसार के लिए मैडम जी का योगदान अविस्मरणीय है। तो मैडम जी ने आज एक बहुत ही बढ़िया विषय रखा है, जो वैदिक साहित्य का एक प्रमुख विषय माना जाता है, प्रस्वापिनी उपनिषद। सभी दीर्घ निद्रा प्राप्त करें, स्वस्थ रहें, बलिष्ठ रहें, इस तरह ऋषि का अभिप्राय रहा होगा। तो इस जिसका एक बढ़िया मंत्र मैं आपके समक्ष रखता हूँ, प्रस्तेशया वव्येशया नारीर्जा स्तल्पसीवरी स्त्रियोजा पुण्यगंधास्ता सर्वाः स्वापयामसि। इस तरह ऋषि कहते हैं कि जो जिस जगह पे है रात्रि का पूर्ण आनंद लें, और सभी लोगों के लिए ऋषि कल्याण करते हैं, सभी को सुषुप्ति का जो दिव्य आनंद है वो प्राप्त हो, और जब सुषुप्ति में दिव्य आनंद प्राप्त होता है तो शरीर स्वस्थ रहता है, बलिष्ठ हम होते हैं, और हमारी जो ज्ञान शक्ति वो व्यवस्थित होती है। तो वसे ही यस्य इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, हमारी बुद्धि प्रतिष्ठित हो जाती है। तो इस तरह एक बढ़िया विषय आज हमारे समक्ष है। तो ऋग्वेद का ये सातवें मंडल का 55वां सूक्त है और इसमें 8 मंत्र हैं। मैं मैडम जी से निवेदन करता हूँ कि मैडम जी अपने विचार के माध्यम से इस सूक्त को हम लोगों के समक्ष रखें, कुछ तो हम नवीन अध्ययन करें और वेद के इस तरह जो व्याख्यान सत्र चलते रहे। तो मैडम जी से पुनः से निवेदन है, मैडम जी व्याख्यान प्रारंभ करें। दास जी मेरी स्क्रीन दिख रही है अभी? नहीं दिख रही है, तो इसको आप क्लोज कर दीजिए। मैडम जी से अब निवेदन है, आप व्याख्यान प्रारंभ करें।
शशि मैडम जी, उनका तो लिखा हुआ आया था शेयर लिया, तो डिस्कनेक्ट हो गया उनका शायद। हाँ नहीं आ रहा है, इंटरमेंट हो गया, लिखे रहा है शशि तिवारी। रिकॉर्डिंग हो रही है, डिस्कनेक्ट हो गया, हो रही है, उनको फोन लगा ली थी, उनका डिस्कनेक्ट हो गया है। मैडम जी आप व्याख्यान प्रारंभ करें। हाँ मैं करती हूँ, धन्यवाद डॉक्टर दास जी, सभा में उपस्थित सभी लोगों को मेरा नमस्ते प्रणाम अभिवादन अभिनंदन। याम मेधाम देवगणः पितरश्चोपास्ते दया मामद्य मेधया अग्ने मेधाविनम कुरु। मेधाम मे वरुणो ददाति मेधाम अग्नि प्रजापति मेधा इन्द्रस्य वायुश्च मेधा माता तथा। जैसा कि आप सबसे पता ही है, सप्तम मंडल के 55वें सूक्त पर आज हम विचार करेंगे। और सप्तम मंडल जो ऋग्वेद का मंडल है, वह ऋषि वशिष्ठ का मंडल है, उसको वशिष्ठ मंडल भी कहते हैं। दूसरे मंडल से लेकर आठवें मंडल तक के जितने भी मंडल हैं, उनको कुल मंडल कहते हैं। वो एक ऋषि या उसके वंशजों के द्वारा देखे गए मंत्रों और सूक्तों का वहां पर संकलन संग्रह किया गया है। तो उस दृष्टि से जो सप्तम मंडल है वो ऋषि वशिष्ठ का मंडल है, और ऋषि वशिष्ठ ने जो सूक्त इसमें लिखे हैं सप्तम मंडल में वो 104 हैं। लेकिन इसके अतिरिक्त नवम मंडल में और दशम मंडल में भी उनके कई सूक्त प्राप्त होते हैं, और सामवेद, यजुर्वेद और अथर्वेद में भी उनके सूक्त प्राप्त होते हैं। और आप जानते ही हैं कि श्री वशिष्ठ ऋषि जो थे वो रामायण में भी श्री रामचंद्र और दशरथ जी के समय में उनके गुरु थे। तो वशिष्ठ ऋषि हमारे भारतीय चिंतन परंपरा के बहुत बड़े चिंतक रहे, ऋषि रहे, दूरदृष्टि दूरदृष्टा रहे। तो उनका ये सूक्त है जो हम पढ़ेंगे। लेकिन इसके साथ में ये भी स्मरण रखने योग्य है कि ऐसा नहीं है कि वेद में हर समय ब्रह्म विद्या या आध्यात्मिक चिंतन ही हो रहा है, उसमें सांसारिक व्यवहारिक नैतिक जो भी मनुष्य के लिए उपयोगी सामग्री है वो सब प्रदान की जा रही है। और उसी दृष्टि से जो सप्तम मंडल के सूक्त हैं उनमें जब हम ध्यान से देखें तो ऋषि वशिष्ठ के सामाजिक विचार पारिवारिक विचार भी हमें उसमें प्राप्त होते हैं, जो कि और दूसरे ऋषियों के नहीं प्राप्त होते। और प्रकृति प्रेम भी विशेष रूप से हमें दिखाई देता है। पिछली बार आपको ध्यान होगा मंडूक सूक्त पर डॉक्टर सुंदरी यहाँ पर बातचीत कर रही थी, तो मंडूक के बारे में, और अभी जो हम सूक्त पढ़ेंगे इसमें कुकुर के बारे में, कुत्ते के बारे में, तो और सुकर यानी सुअर के, तो इस तरह से जो दुनिया की दूसरी चीजें उनका चित्रण उनका विवेचन भी वशिष्ठ के सूक्तों में हुआ है। और दाशराग युद्ध भी सूक्त मंडल में प्राप्त होता है। तो ये मंडल बहुत उपयोगी और महत्वपूर्ण मंडल है, और हम जो पढ़ने वाले हैं इसके सूक्त वो विशेष रूप से गृह से संबद्ध है, गृह यानी घर। और ये भी दर्शनीय है कि जो गृह शब्द है ऋग्वेद में और दूसरे वेदों में निरुक्त में उसके सबसे ज्यादा पर्यायवाची शब्द मिलते हैं, और वशिष्ठ ने उनका भी प्रयोग किया है और बहुत तरह से बहुत शब्दों का प्रयोग किया है। अगर यहाँ पर पीपीटी होती तो वो मैंने उसमें लिखे हुए थे नाम, जैसे कि गय कहते हैं, अस्त कहते हैं, वसति कहते हैं, वास्तु कहते हैं घर को, और दम कहते हैं, दंपति इसी से बनता है, सबका मीनिंग है दम जो बांध कर रखता है, वसति जिसमें हम वस माने रहते हैं, वास्तु भी घर को ही कहते हैं इसलिए जिसमें वस धातु है जिसमें हम निवास करते हैं, और अस्तम जो शाम को जहां पर हम लौट के आते हैं, शरणम शर्म ये सब उसके पर्याय हैं जो कि उसके अर्थ को भी दे रहे हैं, जहाँ सुख मिलता है जहाँ शांति मिलती है जहाँ सब भाग भाग के घर पहुंचना चाहते हैं, ऐसा इसको घर कहते हैं। और इंग्लिश में भी क्या कहा ही जाता है होम स्वीट होम। तो घर के बारे में दुरोण ये शब्द भी उसके लिए आता है, ऐसे शब्द भी है जिनसे हमें पता लग रहा है कि घर बनाते कैसे थे, जैसे कि उसके ऊपर छत होती थी कि नहीं होती थी। लोगों के जो भी कथन है जरूरी नहीं है कि वो बहुत सही हो,
जब हम दृष्टि मंत्रों पर डालें, मंत्रों का अन्वेषण करें, एक इसी मंडल में एक मंत्र है जिसमें वरुण देव से ऋषि वशिष्ठ या जो भी ऋषि होंगे, जो भी क्या होंगे, वशिष्ठ ही या पैत्रा वरुण वशिष्ठ होंगे, वो कह रहे हैं कि मृणमयम गृहम नाहम गमम, मैं मिट्टी के घर में नहीं रहना चाहता। और एक और सूक्त है जिसमें वो कह रहे हैं त्रिधातु शर्म, मुझे तो त्रिधातु शर्म चाहिए। त्रिधातु शर्म का कई तरह से अर्थ किया गया, जैसे कि एक विद्वान ने किया कि तीन भूमि वाला यानी थ्री फ्लोर जिसमें है, तीन मंजिला हो गया, दूसरे अर्थों में हम कह सकते हैं तीन मंजिला, डॉक्टर वो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने कहा जिसमें तीन धातुओं का प्रयोग होता है, और किसी ने कहा तीन ऋतुओं से जो बचा है, गर्मी सर्दी बरसात, तो ऐसा त्रिधातु शरण की बात हो रही है। और हम जो अभी सूक्त पढ़ेंगे इसमें भी एक भव्य मकान का वर्णन हो रहा है, घर का वर्णन हो रहा है, हाउस भी है वो, और घर तो है ही क्योंकि उसमें लोग रहते हैं, तो इसका चित्रण हो रहा है। तो यहाँ पर हम इस सूक्त के माध्यम से उस समय की वास्तु, उस समय का सामाजिक चित्रण, उस समय का पारिवारिक संबंध और सुरक्षा व्यवस्था इत्यादि बहुत सारी चीजों को जान सकेंगे। ये सूक्त 755 जिसका मैंने आपको नाम बताया, ऋषि वशिष्ठ हैं, लेकिन इसके देवता जो प्रथम सूक्त मंत्र है उसका देवता वास्तुष्पति है, और 2 से लेकर 8 तक का देवता इंद्र लिखा हुआ है। जबकि मोटे तौर पर जनरली इसमें क्योंकि घर का ही वर्णन हो रहा है, वास्तुष्पति सूक्त भी लोग कह देते हैं, तो वैसे ये आप जान के रखें कि इसका देवता इंद्र है बताया जा रहा है। और इससे जो पहले वाला सूक्त है सातवें मंडल का 54 नंबर का सूक्त, वो भी वास्तुष्पति का सूक्त है, और उसमें 3 मंत्र है और तीनों मंत्र वास्तुष्पति के हैं, यानी वास्तु का जो पति है यानी कि घर का जो स्वामी है, जो गृह का देवता है, वो वास्तुष्पति। वहां पर तीनों मंत्रों में उसका वर्णन है और यहाँ पर 1 मंत्र में वर्णन है। और अगर मंत्र आपको के पास होता, नहीं तो उसमें उसका प्रारंभ होता है अमीवहा से, अमीवहा ये पीपीटी नहीं है इसलिए हम उससे वंचित रह रहे हैं। वास्तुष्पते विश्वा रूपाणी आविशन, मंत्र पहले पर हमें आना है पढ़ना, अमीवहा वास्तुष्पते विश्वा रूपाणी आविशन, ये सब इसके आगे चलना है थोड़ा और। नेक्स्ट त्रिधातु की मैंने बात की, वो यहाँ पे लिखा हुआ है एनालिसिस ऑफ द नेम्स, गृहपति वास्तुष्पति। एक मिनट, घर का जो स्वामी होता है उसको गृहपति कहते हैं, दंपति कहते हैं, और जो देवता होता है उसको वास्तुष्पति कहते हैं, और हेल्थ हैप्पीनेस एंड प्रोटेक्शन ये उससे मांगा जाता है। नेक्स्ट, अब ये प्रथम मंत्र है, इसमें देखिए पहला विशेषण है अमीवहा वास्तुष्पति विश्वारूपाणि आविशन सखा सुशेव एधिना, गायत्री मंत्र है और वास्तुष्पति को संबोधन है, हे वास्तुष्पति अमीवा, तुम अमीवा को हा माने हरण या नष्ट करने वाले हो, और विश्वारूपाणि आविशन विविध रूपों में प्रवेश करते हो, हे सखा सुशेव एधिना, हमें तो शेव माने सुख को दो, ना माने हमें दो, और आप हमारे सखा हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण शब्द है अमीवा, अमीवा को नष्ट करने वाले, और जो लोग साइंस जानते हैं थोड़ा भी मेडिकल साइंस, उन्हें पता होगा कि अमीवा शब्द जो बैक्टीरिया होता है, जो कीटाणु होता है, जो बॉडी में नष्ट करता है बॉडी को, उसको कहते हैं, बिल्कुल छोटा माइन्यूट होता है और इसमें एक ही सेल होता है। मतलब जैसे कि आजकल कोरोना वायरस है, ये वायरस नहीं है, ये बैक्टीरिया है, और उसको मेडिकल साइंस में अमीवा कहते हैं, और वही शब्द हमारे ऋग्वेद में प्रयोग हो रहा है अमीवा, अमीवा को नष्ट करने वाले, यानी कि रोग के छोटे से छोटे जो जीवाणु है, कीटाणु है, उसको नष्ट करने वाले वास्तुष्पति।
और अगर चाहे तो हम मोटे तौर में कह सकते हैं कि रोगों को नष्ट करने वाले, लेकिन रोगों को उसने शब्द जो प्रयोग में लाया वो ध्यान रखना है। और यही शब्द पिछले सूक्त में भी हो चुका है, जो पिछला सूक्त 54 था उसमें वास्तुष्पति को कहा गया था हमारे आवास को अमीव बिना अमीवा के करिए, बिना बैक्टीरिया के कर दीजिए। तो हम घरों घर में जो हेल्थ है, घर में जो स्वास्थ्य है, उसके लिए वास्तुष्पति का स्मरण हम प्रथम मंत्र में देख रहे हैं। और शिव सुख को कहते हैं, तो सुख की उससे कामना करते हुए ये मंत्र यहाँ पर बोला जा रहा है। वास्तुष्पति जो इस तरह से हम देख सकते हैं कि वो सुख कारक है और विविध रूपों में अपने को डाल सकते हैं और रोगों का नाशक है, और अमीवा जो कि उसका के जड़ है या मूल है उसको उसके विनाश को करता है। तो इस तरह से गृहपति जो गृह है उसका स्वामी वास्तुष्पति है, ये प्रथम मंत्र में बताया गया, जो कि गायत्री छंद है, बहुत सा छोटा सा मंत्र है और बहुत बड़ी बात इसमें बताई गई है। इसके बाद जो भी शुरू होता है वो एक छोटी सी कथा जैसा है, और उसको बताने से पहले मैं चाहूंगी आपको जो भाष्यकार है उनके विचारों को बताना। इसमें हो क्या रहा है कि कोई अंदर प्रवेश कर रहा है, शायद वो ऋषि वशिष्ठ ही होंगे या फिर कोई और होगा, घर के अंदर प्रवेश कर रहा है और घर छोटा नहीं है, काफी बड़ा बड़ा महल की तरह का घर है, और प्रवेश करते करते जो जो उसको मिलता जा रहा है उसको वो सुलाता जा रहा है। वो जब हम चित्रण करेंगे तो हम देखेंगे, तो सुलाता जा रहा है। तो अब इस पर मत है कि क्यों ऐसा क्या हो रहा है। एक ग्रंथ है बृहद देवता, जैसे यास का निरुक्त उसी तरह से बृहद देवता शौनक का है, जो बहुत प्रामाणिक ग्रंथ है। उसमें कहा गया कि वशिष्ठ ऋषि वरुण देवता के घर में रात को जा रहे हैं, सपने में जा रहे हैं, मतलब उन्होंने सपना देखा है कि वो सपने में वरुण देव के घर रात्रि को प्रवेश कर रहे हैं, और प्रवेश करते करते अंत तक जा रहे हैं और सबको सुलाते जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं ये उसमें नहीं लिखा है, स्वप्न की बात है और ये नहीं लिखा है। दूसरा ग्रंथ आपको उद्धृत करते हैं सर्वानुक्रमणी, ये भी वैदिक वेदांग ग्रंथ है। सर्वानुक्रमणी कहती है कि वशिष्ठ ऋषि जा रहे हैं वरुण के घर में रात्रि में, अंदर प्रवेश कर रहे हैं उसके महल में, और क्योंकि वो बहुत भूखे प्यासे हैं, 3 दिन से उन्होंने कुछ खाया नहीं, तो वो भोजन या कुछ खाद्य पदार्थ चोरी करने के लिए अंदर जा रहे हैं। चौर्यार्थम, चोरी के अर्थ से, चोरी के प्रयोजन से घर के अंदर प्रवेश कर रहे हैं और एक एक को सुलाते जाते हैं, सुलाते जाते हैं, सुलाते जाते हैं। ये जो बात है, ये जो आपको उद्धरण मैंने दिया, ये अनुक्रमणी का है, और इसी से मिलता जुलती कथा नीति मंजरी नामक एक ग्रंथ में आई, जो सायण भाष्य में उद्धृत किया गया, थोड़ा बाद का ग्रंथ होगा। इसने भी यही कथा दी कि वरुण देव के घर में वशिष्ठ जी का प्रवेश हो रहा है, चोरी के लिए प्रवेश हो रहा है और रात्रि में प्रवेश हो रहा है और सबको सुलाते जा रहा है। ये आपको 3 मैंने बातें बताई प्रवेश करने का प्रयोजन क्या है। एक चौथा भाष्यकार जो वेस्टर्न स्कॉलर्स हैं, पाश्चात्य भाष्यकार, उनमें से किसी एक ने ये अनुमान लगाया कि शायद ऐसा है कि कोई प्रेमी है, वो अपनी प्रेमिका से मिलना चाहता है, इसलिए वो रात्रि में प्रवेश करता है चोरी छुपे और एक एक को सुलाता जाता है और फिर जो भी होता है वो आप बाद में देखेंगे। तो इस तरह से 4 इसके साथ में कथाएं दी गई, और ये सूक्त का रीजन बताया गया कि क्या सुलाता है, किसको सुलाता है, कैसे सुलाता है। तो अब हम इसके प्रथम के बाद द्वितीय मंत्र में चलते हैं। दूसरा मंत्र अगर है या नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं पढ़ देती हूँ। दूसरा मंत्र यहाँ पर नहीं है, दूसरा मंत्र में वो कहता है यद अर्जुन सारमेय दतः पिशंग यच्छसे वीवर भ्राजंत रिष्ट्या उप शक्रेशु वप्सदो नी सु स्वप। अर्जुन जो है श्वेत को कहते हैं और पिशंग पीले को कहते हैं। हे पीले, हे सफेद, कौन? सारमेय, शर्मा के पुत्र, हे शर्मा के पुत्र। और शर्मा जो है वो देवशुनी है, यानी देवताओं की कुतिया है, और देवताओं की किसकी कुतिया है, वो इंद्रदेव की है,
होती है। आप देखो हमारे देवताओं के पास पेट डॉग्स भी होते थे, सुरक्षा के लिए भी डॉग्स होते थे, और उस डॉग का नाम था शर्मा, बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है, शर्मा पणि संवाद पूरे सूक्त का नाम भी है। तो शर्मा जो देवता इंद्र की कुतिया है या उसके उसके बच्चे जितने होंगे, यानी कि कुत्ता जितने भी कुत्ते होंगे सब सारमेय होंगे, शर्मा के वंशज होंगे। तो वो ऋषि उसको कह रहे हैं कि हे शर्मा है, सारमेय है, हे शर्मा के वंशज, हे पीले रंग के, हे सफेद रंग के, ये तुम दांत निकाल कर मेरे ऊपर क्या भोंकने के लिए दौड़े चले आ रहे हो। नीसुष्व अच्छी से तरह से नित्राम स्वप सो जाओ, नी से नित्राम, सु से सुष्टु, स्वप से सो जाओ। तो तुम अच्छी तरह से सो जाओ, मेरे को दांत मत दिखाओ, मेरे ओर दौड़ते हुए मत आओ, मुझे भोंकने की कोशिश मत करो, मुझे डराने की कोशिश मत करो। और उसको संबोधन जो दिया वो मैंने आपको बताया, हे सारमेय, हे शर्मा के वंशज, थोड़ा ध्यान रखो, अपनी माँ का ध्यान रखो। दूसरे मंत्र में वो इसी तरह की बात हो रही है और कह रहा है स्तेनम राय सारमेय तस्करम वा पुनसरा स्त्रोत्र इंद्रस्य रायसे किम अस्मान उच्छून छूनाय से नीसुष्व। बहुत बहुत ही इंटरेस्टिंग सा मंत्र है। हे सारमेय, हे शर्मा के बेटे, हे शर्मा के वंशज कुत्ते, स्तेन के ऊपर जाके तुम चिल्लाओ, चोर के ऊपर चिल्लाओ, तस्करम वा पुनः सर, या तो जो पुनः सर बार बार एक ही जगह पे घूमता है, पुनः सरति, जैसे एक जगह है गोला मार मार के उसी जगह पे बार बार घूमता जाता है, तो ऐसा जो प्रकृति वाला कुत्ता है उसको कह रहा है सारमेय, हे सारमेय, जो तुम एक ही जगह पे घूम घूम के टाइम अपना निकालते हो, तो तुम जाके तस्कर के ऊपर चिल्लाओ या स्तेन के ऊपर चिल्लाओ, मुझ पर क्यों चिल्ला रहे हो, मैं तो इंद्र का स्तोता हूँ, मैं तो इंद्र की स्तुति करता हूँ, नेचुरली वशिष्ठ है वो, इंद्र की स्तुति करता हूँ, तो मुझे क्यों मारने के लिए आ रहे हो, मुझे क्यों बाधित करते हो, नीसुष्व अच्छी तरह से सो जाओ। उसको भी कुछ बोल के सुला देते की के लिए मंत्र बोलता है। तो यहाँ पर देखने की बात है कि वो सारमेय तो उसको कह ही रहे हैं, पहले भी कह चुके हैं, और तस्कर और स्तेन पर मत भोको, मतलब जाकर भोको, मुझ पर मत भोको, तुम्हारा काम है चोर अंदर घर में ना जाए, कोई बदमाश ना जाए, उसको रोकने के लिए तुमको यहाँ पर प्रोटेक्शन के लिए सुरक्षा की दृष्टि से बाहर खड़ा किया गया है, तो तुम उनके ऊपर भोको, मैं तो चोर और तस्कर नहीं हूँ, मुझ पर मत भोको। यहाँ पर आपने ध्यान दिया दो शब्दों का प्रयोग है, स्तेन और तस्कर, एक है चोर का अर्थ है, एक का तस्कर आपको अभी भी यूज होता है, और सायण भाष में लिखा है एक छिपकर चोरी करने वाला वो तो स्तेन है, जो छिपकर चोरी करता है, मतलब रात में छुप छुपा कर, चोरों का सबको पता है कि कैसे रात में छुपते हैं या काले कपड़े पहनते हैं या मुंह ढकते हैं, तो वो तो स्तेन है जो छुप के चोरी करता है, और जो प्रत्यक्ष धनापहारी जो सबके सामने से चोरी कर ले जाता है वो तस्कर है। और आज भी देखिए स्मगलर को तस्कर कहते हैं, क्या मस्ती से कोट सूट बूट पहनकर वो ग्रीन लाइन से निकलते और साथ में सोने के बिस्किट लेते हुए निकल जाते हैं, तो वो तस्कर है, अभी भी तस्कर शब्द हमारे रखा गया है, वही शब्द है जो वेद में आया। तो इन दोनों के ऊपर तुम्हें भोकना है, उनको पहचानना तुम्हारा काम है और उनके ऊपर भोकना तुम्हारा काम है, मैं तो इंद्र का शत्रु, मेरे पर क्या भोक रहे हो। तो इस तरह से कुत्तों की प्रकृति का, जो मैंने कहा था ना वशिष्ठ ऋषि जैसे मंडूकों की प्रकृति, वैसी कुत्तों की प्रकृति, एक ही स्थान पर घूमते हो, सोते नहीं, भोकने की आदत है, दांत निकालकर दौड़ने की आदत है, वो सब यहाँ पर वर्णन करते। चौथे मंत्र में भी वो फिर उन्हीं के विषय में बोलते हैं, और ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग मंत्र है। तुम शूक्र से दर्द रही तव दर्दर तू शूक्र स्तोत्रन इंद्र से राय से किम असमान उच्छुनाय से नीसुष्व। तुम जाके सुअर के ऊपर भोभो करो और सुअर तुम पर भोभो करे, या इसका मीनिंग ये भी हो सकता है वो तुम्हें फाड़े तुम उसे फाड़ो, या तुम दोनों की आपस में बैर है तो तुम दोनों एक दूसरे के ऊपर गुस्सा दिखाओ या क्रोध करो या उछलो कूदो, जो करना है करो, हम मैं तो इंद्र का
स्तोता हूँ, मैं तो इंद्र का भक्त हूँ, मैं तो इंद्र की स्तुतियां करता हूँ, मुझ पर क्यों आ रहे हो, तुम पहचान अपनी तुम्हारी ठीक नहीं रही, गलत कर रहे हो तुम, तो मुझे छोड़ो, यहाँ पर सुरक्षा के लिए इस घर पे खड़े हुए हो। तो वो दरवाजे पर जो जो भी वो आवास है बड़ा मकान, उसके दरवाजे पर उसे सुरक्षा के लिए खड़ा किया गया है और वो इस तरह से उनको अंदर प्रवेश करना नहीं दे रहा है, बार बार रोक रहा है। तो ऋषि उसको बार बार मंत्र बोलकर, ये तीन मंत्र हो गए उनको बोलकर, कहते हैं कि निसुष्व जाओ तुम सो जाओ, जाओ तुम सो जाओ, और वो सुलाएंगे तो अंत तक सभी लोगों को। तो ये चौथा मंत्र था, मैंने इसलिए ये मंत्र उसमें नहीं दिए थे क्योंकि अलंकारिक भाषा में इसमें रिपीट भी हुआ है और उनको उनका वर्ण विवेचन भी किया गया है, और इस तरह से एक कुत्ता है शायद कोई, क्योंकि एक वचन में प्रयोग हो रहा है, वो उनके वहां पर रखा गया जैसे सुरक्षा के लिए, सिक्योरिटी के लिए आजकल हम रखते हैं। मैंने शुरू में कहा था ना, हमें सामाजिक चित्रण भी देखने को मिलेगा, आजकल लोग घरों में कुत्ते रख रहे हैं, आजकल ऑफिस में कुत्ते रख रहे हैं, हमारे तो वहां ऋग्वेद में वर्णन आ रहा है। और इंद्रदेव का आपने सुना कि इंद्रदेव के पास सात शर्मा नाम की कुतिया है, जो उन्होंने दूत बनाई थी और पणियों के पास भेजी थी। तो इस तरह से पशु पक्षियों के साथ जो मनुष्य है उनके अच्छे संबंध, जो उनसे उनके साथ कार्य करना है, जो उनसे लेना है, जो उनका उपयोग करना है, वो सब वेदों में हमें प्राप्त हो रहा है। तो ये वर्णन था, ये इस तरह वो कुत्ते को सुला देता है और अंदर प्रवेश करता है। यानी अब आप कल्पना करिए कि वो जो मकान है उसका बाहर के हिस्से में कोई बरामदा जैसा कोई खुला हुआ, दो तीन सीढ़ी के बाद कोई थोड़ी ऊंचाई पर, जैसे आजकल के घरों में बरामदा जिसको कहते हैं होता है, वैसा कोई प्लेस है जहां पर ये कुत्ता रोक रहा था, उनको बार बार रोक रहा था, और उन्होंने उसे सुला दिया और अब अंदर वो प्रवेश करते हैं। यानी कि वो प्रथम जो भी कमरा कक्ष होगा उसमें वो प्रवेश करते हैं और उसका चित्रण यहाँ पर किया जा रहा है। और हम अनुमान लगा सकेंगे कि इसमें जब इतने सारे लोगों की बात हो रही है तो वो एक बहुत बड़ा कमरा है। और आप कल्पना कीजिए कि जो थोड़े समय पहले 50 साल पहले 60 साल पहले के भारतीय घर होते थे, उनमें पहला एक बहुत बड़ा बैठक खाना होता था जिसमें पुरुष बैठते थे, बाहर से जो लोग आते थे वो उसमें बैठते थे, कुछ प्रोग्राम करना है तो उसमें बैठते बातचीत करते। तो वो जो बैठक जैसा बड़ा सा कमरा है, शायद वो कमरा है, उसमें वो पहुंच गया और वहां पर जो जो लोग मिल रहे हैं उनको वो सुलाने के लिए बोल रहा है, सुला रहा है। स्वस्तु माता, स्वस्तु पिता, स्वस्तु श्वा, स्वस्तु विश्वपति, सन्तु सर्वे ज्ञातिया, स्वस्तु एम अभी तो जना, स्वस्तु माने सो जाओ, सो जाओ, सो जाओ, हे माता तुम सो जाओ, हे पिता तुम सो जाओ, हे नहीं पिता सो जाए, माता सो जाए, श्वास हो जाए, श्वा माने कुत्ता, अब फिर एक कुत्ता आ गया, ये शायद छोटा कुत्ता है, लोगों ने कल्पना की कि वो प्रेमवश उसको बाहर नहीं छोड़ते, रात में अपने साथ कमरे में अंदर रखते हैं, तो इसलिए वो एक छोटा कुत्ता है, बच्चा है कुत्ते का, उसको उन्होंने अंदर रखा हुआ है। स्वस्तु विश्वपति, विश्वपति को कह रहे हैं सो जाओ, विश्वपति का अर्थ या तो घर का मालिक है या फिर जमाता है, दोनों अर्थ हो सकते हैं, उसको भी कह रहे हैं आप तुम भी सो जाओ। सरसंतु सर्वे ज्ञातिया, जितने भी ज्ञाति जन है, बांधव जन है, संबंधी और भी जो कुछ संबंधी यहाँ पर मौजूद है, वे सब भी सो जाएं। संतु स्वस्वंतु अयम अभितो जना, और ये जो इधर उधर लोग खड़े हुए हैं ये भी सो जाएं। तो उस कमरे में मुख्य रूप से तो माता पिता है, किसके माता पिता है ये हम बाद में देखेंगे, किसके माता पिता है ये सोचने की बात है, लेकिन किसी के माता पिता है, क्योंकि वो पिता उनके जैसे हम लोग बोलेंगे हमें तो पिता का पता नहीं, हमें तो उसका पता जिसने हमें बुलाया, तो हम बोलेंगे तुम्हारे पिता तुम्हारे माता, तो वैसे ही वो बोल रहा है जिसने भी इनको बुलाया है वशिष्ठ को कि आओ, या ये जो भी चोरी के लिए आए तो जिसको भी जानते हैं तो उसके लिए कह रहे हैं कि उसके माता उसके पिता, मतलब जो भी यंग कोई लड़का है मालिक है उस घर का उसके माता पिता शायद उनकी बात हो रही है, फिर जामाता की बात हो रही है जो आया हुआ है और आजकल आगे के कमरे में ही सोएगा, और ज्ञाति जन, लेकिन इन सबको नींद नहीं आ रही है इसलिए ये सारे जग रहे हैं, अनिद्रा रोग है इन्हें, अनिद्रा से ग्रस्त है, नींद ना आने की बीमारी है, इसलिए वो सबको मंत्र बोल के या कुछ और करके उनको सुलाने की कोशिश कर रहा है। पांचवे के बाद छठे मंत्र पर आते हैं,
या आस्ते यश्च चरति यश्च पश्यति नो जनः तेषां सन् हन्मो अक्षाणि यथा इदं हर्म्य तथा। सरल सा मंत्र है, मीनिंग इसका ये हो रहा है कि या आस्ते जो बैठा हुए हैं यो चरति जो चल रहे हैं घूम रहे हैं जो बैठे हुए हैं रात है मगर बैठे हुए हैं जो चरत घूम रहे हैं यो पश्यति नो जनः जो इधर उधर देख रहे हैं तेषां सम हन्मो अक्षाणि उनके आंखों को मैं बंद करता हूँ उनकी आंखों को मैं निमीलित करता हूँ मूंदने की प्रयत्न करता हूँ जैसे कि ये घर ये हर में जो है वो भवन को कहते हैं आजकल भी हर्म शब्द का प्रयोग मतलब जो एक बहुत जिसको विशाल काय प्रासाद कहते हैं उसके लिए हर्म शब्द का प्रयोग होता है। तो ये जो हर्म है जैसे ये बड़ा सा भवन है ये बिल्कुल निश्चेष्ट खड़ा हुआ है इसमें कोई चेष्टा नहीं हो रही कोई मूवमेंट नहीं हो रहा ऐसे ही मैं तुम सबको आंख कर देता हूँ तुम सबको भी अचेतन या कि निद्रा में डाल देता हूँ। कौन है नहीं पता कौन है लेकिन इतना दिख रहा है कि जो घूम रहे हैं जो चल रहे हैं जो आसपास इधर उधर बैठे हुए हैं तो अब कल्पना करनी पड़ेगी कि ये घर का कौन सा हिस्से में गया है वो। मैं मेरे मुताबिक वो बड़े कमरे से जब बाहर निकला तो फिर एक खुली हुई थोड़ी सा बरामदा जैसा आया। लाल किले इत्यादि में भी हमें इस तरह के दिखाई देते हैं पुराने बिल्डिंग्स में बड़ा सा बरामदा आया उसके बाद आंगन आया। प्राचीन घर जितने भी भवन होते हैं घर होते हैं उनके बीच में खुला एक हिस्सा होता है जिसको आंगन या प्रांगण या कुछ कहते हैं वो आसमान वहां से दिखाई देता है हवा साफ शुद्ध आनी चाहिए इस प्रयोजन से ये सब चीजें वो लोग कर ध्यान रखते थे। तो अभी जो वो खुली जगह है संभवतः उस जगह पर ये लोग घूम घाम रहे हैं मेरा अनुमान है और भाष्यकार कुछ ऐसा मानते भी हैं कि ये परिजन है उस घर के सेवक इत्यादि हैं जो वहां काम करते हैं वही रहते हैं वही काम करते हैं जो 24 घंटे रहते हैं। तो वो जो परिजन है उनके कमरे इधर उधर आंगन के इधर उधर होंगे और उसमें वो रहते होंगे और उनको भी नींद ना आने की बीमारी लगी हुई है तो वो भी या तो घूम रहे हैं या तो चल रहे हैं या बैठे हैं या बातें कर रहे हैं टाइम निकाल रहे हैं तो उनकी आंखों को बंद करने की वो छठे मंत्र में बात करता है और अपना मंत्र फेंकता है या अपना जो भी उसको क्रिया करता है वो करता है। इसके बाद सेवंथ मंत्र आ जाता है और ये भी बहुत अच्छा सा मंत्र है। इसमें वे कहते हैं ऋषि कहता है सहस्र श्रृंगो वृषभो या समुद्राद उदाचरण तेषां सन सहस्येन अयम वयम निजनान स्वापयामसि। सहस्र श्रृंगो हजार सींगों वाला वृषभ माने बैल या शक्तिशाली यह समुद्रात उदाचरत जो समुद्र से उदित हुआ या जो समुद्र में गया। ज्यादातर लोगों ने ये हजार सींगों वाला वृषभ सूर्य को कहा है जिसकी हजार किरणें होती हैं और जो बहुत शक्तिशाली होता है वो उदित होता है और अस्त होता है। तो आलंकारिक भाषा में हम ये मानते हैं कि समुद्र के नीचे चला गया और उधर से फिर वापस समुद्र से ऊपर आ गया। तेन साहसेन वयम निजनान स्वाप्या उसके साथ हम अपने लोगों को सुला रहे हैं जैसे वो चला गया सो रहा है कहीं चला गया है वैसे ही हम सब लोगों को भी सुला रहे हैं। ये कुछ भाष्यकारों ने अर्थ किया लेकिन एक दूसरा अर्थ भी यहाँ पर निकल सकता है क्योंकि सूर्य ऐसा नाम नहीं लिखा हुआ है। सहस्र यानी हजार किरणों वाला वृषभ ये भी विशेषण है। ये दोनों विशेषण चंद्रमा पर भी लग सकते हैं। चंद्रमा जो है समुद्रात उदाचर समुद्र से वो भी उधर से उदित होता हुआ हम लोगों को दिखता है ग्लोब के ऊपर जब आता है तो हमें तो लगता है कि वो वहीं से आ रहा है। तो अब यहाँ पर हमने पहले कल्पना कर ली थी कि आंगन में वो पहुंच गया है और आंगन है क्योंकि इसलिए वो ऊपर आसमान में देखता है उसे चंद्रमा दिखाई देता है क्योंकि मध्य रात्रि होगी तो चंद्रमा बीच में के लगभग आ गया होगा। इधर उधर होता तो शायद दीवालों से ना दिखता तो बीच में है थोड़ा सा 12 नहीं बजा होगा तो 1 भी बज सकता है 11 भी बज सकता है मतलब ऊपर चढ़ के आसमान के मध्य के हिस्से में है तो इसलिए वो दिख रहा है तो ऊपर वो आसमान को देखता है क्योंकि आंगन में खड़ा है तो वहां देखकर फिर वो बोलने लग जाता है कि ये जो आसमान में चंद्रमा है समुद्र से आ गया ऊपर चमक रहे हैं।
तो ये हमारी सहायता करें, ये सहायता करें और इनकी शक्ति से, इनकी किरणों के बल से मैं सब लोगों को सुला देता हूँ। वो जो अभिता जना थे, जो नौकर चाकर या परिजन या सेवक या संबंधी जो भी थे, जो आंगन के आसपास कमरों में या बरामदों में इधर उधर घूम रहे थे, उनको सुलाने की बात वो चंद्रमा की किरणों की शक्ति की सहायता से करने की बात करता है। सहस्य का मतलब ही शक्ति होता है। तो ये अर्थ ज्यादा सटीक लगता है क्योंकि वो घर हमने बताया था खुला हुआ है, तो निश्चित रूप से उदित चंद्रमा को वो आकाश में ऊंचाई पर देख लेता है और फिर उसके किरणों से मदद मांगता है। अष्टम मंत्र हमारे उस पीपीटी पे है, अगर दिखाना है तो आप पढ़ना दिखाएंगी। प्रोष्ठे शया बन्हे शया नारी यस्तल्प शिवरी स्त्रियो या पुण्यगंधस्ता सर्वा स्वाप्यामसी। अष्टम मंत्र और ये आखिरी मंत्र है। इसमें ये डॉक्टर दास ने भी पढ़ा था, इसमें वर्णन हो रहा है स्त्रियों का, नारी का, नारी बहुवचन में लिखा हुआ है। और ये तरह तरह के यहाँ पर फर्नीचर यूज हो रहे हैं, आपको फर्नीचर भी वेद काल के दिखाई देंगे। ये कहना कि वो मिट्टी के घरों में रहते थे ये सब नहीं संभव है, क्योंकि यहाँ पर हमें वो फर्नीचर और जिसपे वो सोने वाले हैं वो सब भी दिख रहे हैं। प्रोष्ठे शया, प्रोष्ठ पर सोने वाली बहुत सारी नारियां या दो तीन से लगभग नारियां। प्रोष्ठ के दो अर्थ हो सकते हैं, या तो जैसे दीवान होता है आजकल उसको कह सकते हैं, या किसी चौड़ी सी बेंच को भी कह सकते हैं जैसे सोफा बन आजकल होता है। तो प्रोष्ठे शया कुछ है जो प्रोष्ठ पर लेटी हुई है और नींद तो आ नहीं रही है उनको भी। बन्हे शया कुछ है जो बन्ही पर सो रही है, सोने की मुद्रा में है। बन्ही के भी दो अर्थ है, या तो वो झूला है धीरे धीरे हिल रहा है झूल रहा है, या वो पालकी है वाहन है ले जाने वाला है। तो या तो वो पालकी है या तो वो झूला है, उसके ऊपर वो बैठी हुई है, लेटी हुई है, आधी लेटी आधी बैठी और वो नींद नहीं होने आ रही है, ऐसी नारियां। या तल्प शिवरी और या फिर वे जो तल्प पर सो रही है, तल्प भी, तल्प का मतलब या तो बिस्तर है पलंग है या अच्छा सा सॉलिड पलंग है या फिर बिस्तर है खूब अच्छा सा बिस्तर है, तो वो प्रॉपर जो बिस्तर होते हैं वो है बिस्तर, उस पर लेटी हुई है कुछ ऐसी स्त्रियां। ऊपर नारी लिखा है नीचे स्त्रियां भी लिखा है। स्त्रियां या पुण्य गंधा या फिर वो चौथे तरह की स्त्रियां जो पुण्य गंध वाली है। पुण्य गंध मतलब जिन्होंने जिनके पास से गंध आ रही है। गंध क्यों आ रही है? क्योंकि उन्होंने फूलों को धारण किया हुआ है, बालों में उनके फूल लगे हैं या कुछ और कहीं पर फूल लगे हुए हैं, तो इसलिए वो रात में उन्होंने उतारे नहीं है, कहीं पार्टी वार्टी में गई थी या क्या था वैसे ही आई वैसे ही लेट गई। तो प्रोष्ठे शया प्रोष्ठ पर लेटी हुई है, बन्हे शया बन्ही के ऊपर या पालकी या झूला, नारी या तल्प शिवरी, तल्प माने आपको बताया मैंने बिस्तर या पलंग, स्त्रियो या पुण्य गंधा और वो जो पुण्य गंध वाली है जिनके पास से बड़ी सुंदर सुगंध आ रही है क्योंकि माला या उन्होंने कुछ और तरह से फूलों को धारण किया हुआ है। ता सर्वाह स्वापयामसि, उन सबको मैं सुला देता हूँ। आखिरी जो कमरा होगा, बड़ा कमरा होगा, वो अंतःपुर जिसको प्राचीन समय में बोलते थे, नारियों का के लिए वो कमरा होगा। उसमें ये तरह तरह से नारियां बताई गई कि वो लेटी हुई है, नींद की प्रतीक्षा कर रही है, उन्हें नींद नहीं आ रही क्योंकि उन्हें भी अनिद्रा रोग है। और आपने देखा कि लेटने के लिए और बैठने के लिए तरह तरह के फर्नीचर यहाँ पर बताए गए और नारियों की स्थिति भी इससे हम निकाल सकते हैं। हो सकता है कोई बहुत बड़ी मतलब हो रानी हो, कोई उसकी सखी हो, कोई उनकी नौकरानी हो, तो उस स्तर से वो कहाँ कौन लेटे बैठे ये सब कुछ होगा। और रात का चित्रण मैंने बताया, कोई बाहर से घूम के आया तो उसमें फूल भी लगे हुए हैं, तो वो भी कुल मिलाकर हमने ये देखा कि इस तरह से जहां भी वो जा रहा है, जो भी जा रहा है, अभी तो फिलहाल ऋषि वशिष्ठ ही हमने माना हुआ है, तो वो सबको सुला रहे हैं। जितनी भी कथाएं थी उनमें ऋषि वशिष्ठ ही कहे गए थे, जो अंदर गए थे क्यों गए थे वो रीजन अलग अलग थे और सबको सुला रहे हैं। ये हुई, ये सूक्त था।
इसमें एक मकान या एक बड़े भवन की परिकल्पना भी हमें समझनी चाहिए। अब अगर 8 नंबर वो स्लाइड हो तो दिखाइए 10 नंबर का स्लाइड नंबर 10। ये मैंने घर का नक्शा बनाने की कोशिश की है, ए व्यू ऑफ बिग हाउस इन ऋग्वेद 7:55। जब वो नीचे से जाता है, जब ये सबसे पहले वो एंट्रेंस है जहां पर आपको मैंने बताया था कुत्ता था जो सुरक्षा के लिए बैठा हुआ था, वो कुत्ता वहां पर था और वो एंट्रेंस था, बरामदा था या कुछ चबूतरा जैसा कुछ था जिसमें कुत्ता उसको रोक रहा था। उसके बाद ये बिग रूम फॉर जेंट्स है, उसमें माता जरूर वहां पर थी एक, लेकिन ज्यादातर वो बड़ा कमरा है जो कि पुरुषों का कक्ष है, पुरुषों के लिए है। तो इसके बाद फिर एक बरामदा आता है जैसा हमने बात किया, ये ओपन यार्ड है, आंगन जिसको हमने कहा, यहाँ से उसको चंद्रमा दिखाई पड़ता है, इधर उधर लोग घूम रहे हैं, इधर उधर लोग, ये छोटे कमरे हैं, शायद इनमें भी रह सकते हैं या बड़े किसी घर वालों के पास होंगे या सेवकों के पास होंगे। तो इस तरह से ये ऐसे ही प्राचीन समय के घर होते थे, जो बड़े घर होते थे वो, जिनको प्रासाद कहा जाता था। और इसके बाद फिर बाद में फिर एक बहुत बड़ा कमरा है जिस जो लेडीज का रूम है, अंतापुर है, जिसमें आपने देखा किस प्रकार से नारियां विश्राम कर रही हैं और लेटी हुई हैं। तो वो यहाँ से शुरू करता है अपनी यात्रा और यहाँ तक अपने को लाता है, बीच में चंद्रमा का दर्शन होता है यानी खुला आसमान उसे दिखाई देता है। तो ये एक इतना बड़ा मकान है, और ये कहना कि मिट्टी के घरों में रहते थे ये तो बिल्कुल संभव नहीं है, हम ये देख सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि ऋग्वेद में ही हमने ये कपोल कल्पना करके बना लिया है, अगर आप अथर्ववेद में जाएंगे वहां पर शाला सूक्त हैं दो, उनका नाम ही है शाला सूक्त, और उनमें तो ऐसे घरों का चित्रण है कि वो आपको कैलिफोर्निया की याद दिला देंगे। उसमें कह रहा है पीछे पानी हो, जैसे कि कोई पूल वूल हो नहाने के लिए, कोई इस तैरने के लिए कोई छोटा सा सरोवर हो, और आगे फूल हो और दूब लगी हो, हरी घास लगी हो, यानी कि ग्रीनरी भी हो। तो हमारे वैदिक ऋषियों ने भी मकान या जो भी चित्रण किए वो भी बड़े सुंदर हैं। और यहाँ पर पहला तो हमें ये दृष्टि हमारी जाती है कि वास्तुष्पति है, तो वास्तु क्या था इस पर दृष्टि जाती है जो मैंने बताई। कौन कौन रह रहे हैं उससे हम ये समझ सकते हैं कि ये जरूर संयुक्त परिवार है, इसीलिए इतने सारे लोग हैं जो मिलजुल के रह रहे हैं, प्रेम से रह रहे हैं। तो सामाजिक व्यवस्था, नैतिक व्यवस्था, उनके मूल्य, इस पर आप थोड़ा ध्यान दे सकते हैं। अब प्रश्न फिर वही का वही है कि आखिर ये व्यक्ति कौन था जो अंदर गया और सबको सुला रहा है। मैंने इसके लिए बहुत पढ़ने की कोशिश की और एक मुझे ग्रंथ मिला जो उसका नाम है ऋक्सूक्त वैजयंती, श्री वेलणकर जी ने लिखा है वो, और उसके जितने भी सूक्तों का भाष्य किया है बड़ा सुंदर और बहुत प्रामाणिक तरीके से किया है। उनका कहना है कि ये एक बहुत बड़े बहुत अमीर व्यक्ति का कोई प्रासाद है, मतलब महल है, कोई बहुत अमीर व्यक्ति है, बहुत साधन संपन्न व्यक्ति है। और आप जानते ही है कि जो साधन संपन्न व्यक्ति होंगे, खाना भी जहाँ बहुत अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, तो वहां नींद नहीं होती, नींद कम हो जाती है। तो इसलिए क्योंकि वो है ऐसा, वो नहीं कह रहे, वो ये मैं कह रही हूँ, लेकिन वो धन संपन्न जो बहुत अमीर व्यक्ति हैं उनका जो प्रासाद है उसमें जितने लोग भी रहते हैं उनको अनिद्रा रोग हो गया है। तो इसलिए उस घर में जो भी युवक है, यानी कि उन जिनका वो घर है उनका बड़ा बेटा है, हो सकता है शायद, जिसको मैंने कहा कि शायद जिसके माता जिसके पिता की बात मंत्र कर रहा था, तो वो सोचता है क्या किया जाए। तो वो किसी विज्ञ मांत्रिक को संपर्क करता है, मंत्रों को जानने वाले विज्ञ माने बहुत समझदार पढ़े लिखे ज्ञानी मांत्रिक को संपर्क करता है, और वो मांत्रिक है जो यहाँ पर आया हुआ है, और वो मंत्रों अंदर प्रवेश करता है और मंत्रों को बोलता जाता है और मंत्रों को बोल बोल कर लोगों को सुलाने की कोशिश करता है। तो सबसे पहले जैसा कि आपने देखा था वो जो सामने कुत्ता आया जो कि उनका वॉच डॉग है, उसको उसने सुलाने का प्रयास किया, सुला भी दिया। उसके बाद वो अंदर गया, उसने पुरुषों को और एक छोटा कुत्ता साथ में था उसको और एक माता जी थी उनको उसने मंत्र की शक्ति से सुला दिया।
उसके बाद वो बाहर आया, जो लोग इधर उधर घूम रहे थे वो भी आधी रात बीत गई थी, नींद नहीं थी, उनको भी उसने सबको सुला दिया। फिर वो लेडीज के रूम में अंतापुर में पहुंचा, जो आपका दृश्य मैंने बताया, जहां पर वो तरह तरह से लेटी तो हुई है मगर नींद से वंचित है, तो उनको उसने सुलाया स्वाप्यामसी स्वाप्यामसी, सबको सुला देता हूँ सुला देता हूँ, ऐसा मंत्र बोलता जाता था। और वो मांत्रिक है और अच्छा विज्ञ मांत्रिक है, तो ये अर्थ है जो श्री वेलणकर जी ने अपनी इसमें निकाला। अच्छा, ये उन्होंने रीजन दिया कि ऐसी संभावना लगती है कि ये बात है, और इस तरह से वो अंदर गया है और उसने लोगों को सुनाया। अब प्रश्न ये उठता है कि क्यों दूसरों की बातें ना मानी जाए, जो पहले जिन्होंने रीजंस दिए थे कि वो अंदर क्यों गए थे, जो भी गया था वो अंदर क्यों गया था। उसमें जो वेस्टर्न स्कॉलर्स का मत था वो ये था कि शायद वो लड़का है कोई प्रेमी जो कि प्रेयसी से मिलने के लिए जा रहा है और सबको सुलाता हुआ जा रहा है, जिसे कि कोई देखे नहीं और रात में वो उसको भगा के निकाल के ले जाए। तो ये बात नहीं हो सकती क्योंकि उसने अंतिम कमरे में जब लेडीज रूम में वो जाता है तो वहां पर वो सबको सुला देता है। अगर वो किसी एक को छोड़ के बाकियों को सुलाता तब ये वाली बात सही हो सकती थी, इसलिए उस ये जो मत है वो उसका खंडन हो जाता है। दूसरा मत था कि वो चोरी के लिए घर में जाते हैं वशिष्ठ। आपको ध्यान होगा सर्वानुक्रमणी में और नीति मंजरी में ये कहा गया है कि वशिष्ठ वरुण के घर में गए और चौर्यार्थम चोरी के उद्देश्य से खाना चुराने के उद्देश्य से गए। अब ये वाला मत भी समीचीन प्रतीत नहीं होता है। क्यों? क्योंकि हमने कभी मंत्र इसमें पढ़ा जिसमें वो मांत्रिक या जो भी विज्ञ विद्वान है वो कह रहा है उस कुकर से कि चोर के ऊपर जाके भूको, तस्कर के ऊपर जाके भूको, स्तेन पर भूको, तस्कर पर भूको, मुझ पर मत भूको, मैं तो इंद्र का भक्त हूं, मैं तो इंद्र की आपकी पूजा करता हूं। तो अगर वो चोर होता तो वो ऐसे कह सकता था क्या? ये वाला मंत्र हो सकता था क्या? इसका मतलब है कि नहीं है, वो चोर नहीं है, चोरी के लिए नहीं जा रहा है, ये वाली कहानी भी गलत है। तो इस दो सारी कहानियां इस तरह से खंडित हो गई। तो हमने ये वाली जो मांत्रिक वाली और निद्रा अनिद्रा वाली है, इस बात को अपने दृष्टि से पुष्ट करने के लिए एक दो बातें और कहनी जरूरी है। सबसे पहले हमने देखा कि पहला मंत्र वास्तुष्पति का मंत्र है और वास्तुष्पति देवता का सबसे बड़ा विशेषण है अमीवा, अमीवा को मारने वाला, जैसे वृत्र हा शब्द इंद्र के लिए होता है, वृत्र को मारने वाला रक्षो हा, तो ये वैदिक शब्दावली है। तो अमीवा को नष्ट करने वाले वास्तुष्पति, हे वास्तुष्पति, उनका स्मरण करते हुए वो घर में प्रवेश करता है, यानी कि वो जो भी व्यक्ति आया है वो कोई पर्पज है उसके पास, और वो पर्पज है उस घर के लोगों की कोई बीमारी है जिसको उसको दूर करना है। और वो बीमारी हमने अंदर देखी कि वो बीमारी नींद ना आना, ये बीमारी है जिसको अनिद्रा रोग कह सकते हैं। तो वो अमीवहा जो कहा गया वास्तुष्पति को, रोग नाशक वास्तुष्पति, और वास्तुष्पति का स्मरण करते हुए वो प्रवेश कर रहा है, तो ये बात सिद्ध करती है कि वो वाली बात सही है कि किसी का प्रासाद है, बहुत बड़ा महल है जिसमें लोगों को ये मुश्किल हो गई है, और उसके निवारणार्थ वो वहां पर प्रवेश करता है और उनके कष्टों को दूर करता है। तो इस सूक्त को कई दृष्टियों से देखा और पढ़ा और समझा जा सकता है। एक इंटरेस्टिंग सा सूक्त है, रोचक सूक्त है मेरी दृष्टि में, वास्तु पर भी ये फोकस कर रहा है, और वास्तु घर कौन सा घर है सबसे अच्छा, जिसमें सुरक्षा भी होनी चाहिए, जिसमें हेल्थ भी होनी चाहिए, हैप्पीनेस भी होनी चाहिए, और ये सब अपने आप से हो जाएगा क्या? नहीं, भगवान की कृपा तो चाहिए, इसलिए वास्तुष्पति का स्मरण करते हुए अंदर जाना है। और घर के अंदर जाओ, और आजकल तो जैसे बीमारी की बात चली रही है हमारे सारे वातावरण में, तो वो अमीवा जो है वो उसका भी स्मरण दिलाता है, भगवान का स्मरण करते हुए घर में जाओ, घर को निरोगी रखो, घर को बीमारियों से दूर रखो। ये बातें यहाँ पर अगर हम समझते हैं तो ये आज प्रासंगिक है, ऐसा भी कह सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ सबको धन्यवाद, नमस्कार। जी शशि मैडम जी, धन्यवाद आपका। और वास्तविक रूप से वेद संस्थान और प्रकट करता है,
आपने बढ़िया ही प्रकरण, रोचक प्रकरण को प्रस्तुत किया। मेरा कुछ इसमें मत है, मत यह है, ये प्रश्नोत्तर सत्र है, इसको हम भाष्यकार की दृष्टि से अध्ययन न करें और मान्यता की दृष्टि से अध्ययन करें तो इसमें बहुत से बिंदु हमें मिल सकते हैं। जैसे गहरी अंधेरी रात का एक रोचक चित्रण यहाँ स्पष्ट हो रहा है। तो सबसे पहले पहला मंत्र है वो वास्तुस्पति के संबोधन से, तो इसका अर्थ है कि वास्तुस्पति के संबोधन में पहले मंत्र में कहता है कि सखा सुसेव एधिना, ये जो घर जिस घर में हम लोग रहते हैं और गहरी रात्रि के लिए हमारे लिए जो आश्रय भूमि है, आश्रय स्थल है, वो गृह हमेशा वास्तुस्पति की प्रेरणा से सुसेव हो, सुखपूर्वक सेवनीय हो, तो ये पहला अर्थ यहाँ से निकल सकता है। क्योंकि मान्यता की दृष्टि से आर्ष मान्यता यहाँ है कि वेद से प्राचीन साहित्य कुछ नहीं है और जो कुछ है वेद के बाद के साहित्यों में प्राप्त होते हैं, वेदों में इतिहास नहीं है। बहुत से इस तरह सज्जन बैठे हुए हैं तो इस तरह के अर्थ लिया जा सकता है। मैं कुछ बिंदु स्पष्ट करता हूँ, यह भी एक अर्थ है। मैं नहीं कहता कि आपके भाष्यकारों के द्वारा प्रस्तुत जो अर्थ है वो अग्राह्य है, वो सभी ग्राह्य है, लेकिन एक पक्ष ये भी है, इस पे चर्चा की आवश्यकता है। देखिए सबसे पहले वास्तुस्पति से गृह की जो समृद्धि की कामना की गई, फिर रम्य आदि की चर्चा हुई, उससे ये बात स्पष्ट हो जाती है कि रात गहरी रात को कुत्ता का भौंकना स्पष्ट यहाँ उल्लेख है। और फिर कुत्ता कैसा है, दांत बिल्कुल निकाल करके काटने के लिए दौड़ता है लोगों के पास, ये गहरी रात्रि का एक चित्रण है। कुत्ता वास्तविक रूप से स्थेन और तस्करों पे हावी रहता है, तो यहाँ इसका उल्लेख है कि गहरी रात खतरा है, चाहे स्थेन हो, गुप्त रूप से चोरी हो, या प्रकाश रूप से आप चोरी करते हो तो कुत्ता का तो सामना करना ही पड़ेगा। तो ये वैदिक गहरी रात्रि का एक यहाँ बिल्कुल है। आगे यो कहा गया कि कुत्ता भी निरता रहता है और उसके पीछे कारण है सुकर, सुअर उस समय जंगल परिवेश रहा, सुअर आ जाते हैं नगर बस्ती आदि में, तो सुअर के ऊपर कुत्ता भी हमला करते हैं और सुअर जो कुत्तों पे हमला करते हैं, तो इस तरह ये रात्रि में कुत्ते का भौंकना एक बढ़िया दृश्य यहाँ स्पष्ट है। और साथ में वो कहता है इसमें अगले मंत्र में स्पष्ट है कि बाहरी दृश्य है, बाहरी जो हमारे वातावरण है उसमें, और जब अंदर के वातावरण है तो सबसे पहले सस्तु माता सस्तु पिता बुद्ध माँ बाप पहले सो जाते हैं, कौन सा वो कह रहा है, धीरे धीरे पालित जो कुत्ता है वो भी सो जाता है और धीरे ज्ञाती लोग सोने लगते हैं। तो अगले में सेवकों की बात हुई है, यश चरती, दिन भर मेहनत करके सेवक भी परेशान है, वो देर में सोते हैं, परिवार के सो जाने के बाद, तो इस तरह सेवकों की यहाँ चर्चा है। फिर शुंग वृषभ आदि के माध्यम से इन्होंने ये भी बताया कि सूर्य और चंद्र को आश्रय करके हमारा सोना और जागना निर्धारित होता है, तो इसीलिए सूर्य चंद्र के अनुसार अगर हमें सोना और जागना हम निर्धारित करते हैं तो निश्चित रूप से स्वस्थ रहेंगे। और यहाँ जो प्रोष्टेशया वहेशया आदि मंत्र हैं, यहाँ कुमारियों की चर्चा है, क्योंकि जो लड़की होती हैं और जो विभिन्न प्रसाधनों का सेवन करती हैं तो के लिए वैदिक साहित्य में थोड़ी छूट थी, वो थोड़ी देर में सो सकती हैं। तो इस तरह मंत्र का वास्तविक अभिप्राय यही है कि सर्वस्था स्वापया मसी, अभिप्राय है कि हे ईश्वर आपकी प्रार्थना करता हुआ मैं इन सभी को पूर्ण निद्रा प्रदान करने के लिए प्रयत्न करता हूँ कि ये सभी सो जाएं, सुख निद्रा को प्राप्त करें, और अगर सुख निद्रा को प्राप्त करेंगे तो निश्चित रूप से स्वस्थ बलिष्ठ और कर्मठ होंगे। हम भाष्यकारों को छोड़ के इस तरह अगर व्याख्यान प्रस्तुत करें तो और
सत्ता इसमें आ सकती है। ये एक मेरा प्रयास है हमारे आर्य मान्यता वाले विद्वानों के लिए। तो सभी विद्वानों से निवेदन है 5 मिनट में अतिरिक्त इस पे चर्चा हो, और मेरा पक्ष तो यही रोक दीजिए। मैडम जी ने बढ़िया प्रसंग उठाया, बढ़िया अध्ययन किया, तो कुछ इस पे एक छोटा सा प्रश्न हमारा है। मैं भूदेव शर्मा बोल रहा हूँ। हाँ जी, कि जहाँ कमरों की बात है, आंगन की बात है, द्वार की बात है, वहाँ कहीं रसोई का चक्कर चर्चा नहीं। ये थोड़ा मुझे लगा कि कहीं ना कहीं एक ऐसी चीज है कि जो हम विशेष रूप से मिस करते हैं। हाँ जी, सच्ची मैडम जी, रसोई मुझे लग रहा है सही ऑब्जर्वेशन है आपका, क्योंकि रसोई इस तरह से बनती नहीं थी। मैंने जो पुराने घर देखे हैं, मैंने तो वो बरामदे में ऐसे एक कोने में चूल्हा लगाता हुआ देखा, और है ना ऐसे आजकल की तरह की रसोई तो नहीं देखी नहीं। चूल्हा वही जला लेते आंगन में, है ना, आंगन में या बरामदे में ढका, और लोगों को दूर दूर बैठना होता है। तो ऐसा भी मैंने गांव में देखा कि स्क्वायर बने हुए हैं, स्क्वायर के अपने अपने स्क्वायर में बैठना है, दूर दूर बैठना है। तो बहुत बड़ा वो चाहिए, रसोई घर बड़ा चाहिए। एक मुझे इसमें प्रश्न दिख रहा है प्रद्युम्न शर्मा जी का, कि व्हाई इज इंद्र द ऋषि एंड दिस सूक्त अदर देन द फर्स्ट मंत्र, देयर इज नो डायरेक्ट और इवन इनडायरेक्ट रेफरेंस टू इंद्र हियर। नो, बट हियर इज रेफरेंस ऑफ इंद्र डायरेक्टली इन टू मंत्रास। इनडायरेक्टली भी नहीं हो रहा है, डायरेक्टली हो रहा है, क्योंकि वो बार बार बड़े गर्व के साथ कह रहा है मैं इंद्र का स्तोता हूँ, मैं इंद्र का स्तोता हूँ। मुझ पर क्यों कूद रहे हो या क्यों उछल रहे हो? कुत्तों को कहता है तुम सारमे हो, तुम शर्मा के पुत्र हो, और शर्मा देवताओं की मतलब इंद्रदेव की कुतिया का नाम है, और इंद्रदेव मेरे उपास्य देव है, तो फिर मुझे तो छोड़ो ना, ये वाली बात है। तो यहाँ पर इंद्र का प्रसंग दो बार आया, इसलिए मुझे मेरा ऐसा अनुमान है कि इंद्र इसलिए इसके देवता हैं। वो जो भी व्यक्ति है वो तो कुछ है ही नहीं उसके आगे, तो इसलिए इंद्र देव को देव बाकी मंत्रों का देवता माना गया। एक एक प्रश्न मेरे समय एक मेरे माइंड में आया है प्रश्न, शशि जी। जी शशि जी, एक प्रश्न मैं पूछना चाह रही हूँ। एक माइंड में बात आई है कि जैसे खुला घर होता है या ग्रीनरी बहुत होती है तो मच्छर बहुत हो जाते हैं। आपने अमीबा का प्रयोग किया, शब्द का अमीबा का बताया, बैक्टीरिया फ्री हो जाए, तो ये भी हो सकता है कि रात को सब मच्छर वच्छर बहुत हैं और किसी को नींद नहीं आ रही, मच्छर काट रहे हैं सबको, तो वो स्प्रे ऐसा भी कुछ है कि वो जो घर का मालिक है वो किस तरह से कोशिश करे कि बैक्टीरिया फ्री घर हो जाए, जैसे रात को मच्छर वच्छर नहीं काटे और लोग सो पाए। ये भी इसका मुझे ये लगा कि तो यहाँ पर इस वाले वैदिक जो घर ऋषि का ये जो भी घर था इसमें तो मच्छरों की कोई बात नहीं हुई है, कहीं भी कोई संकेत नहीं, कोई कुछ ला नहीं रहा, कोई बात नहीं ला नहीं रहा। बैक्टीरिया है या जो भी बैक्टीरिया तो जो दिखाई नहीं देता, सूक्ष्म से सूक्ष्म वन सेल का जो वन सेल का होता है बैक्टीरिया, दैट इज कॉल्ड अमीबा इन मेडिकल साइंस। So, वो तो विजिबल है ही नहीं, वो तो कीटाणु से भी छोटे से छोटा, आंखों को कहाँ दिखता है, पेट के अंदर वो तो वन सेल। मच्छर मच्छरों की बात तो मेरे ख्याल से वेद में कहीं भी नहीं हुई है, मच्छर इस तरह के कीट गंदे वाले जान ये कीट पतंग है, डॉक्टर दास बताएंगे, मुझे तो ज्यादा पता है मच्छरों का। नमस्कार, एक प्रश्न मूर्ति है, पूछ सकती हूँ? हाँ जी, आप रखिए। नमस्कार, बहुत अच्छा वक्तव्य था शशि जी का, जैसे एज यूजुअल। मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपने ये अमीबा का जो शब्द का कहा कि अंग्रेजी वाला, अंग्रेजी में भी ये है यहाँ भी है, तो क्या कैसे, ये बड़ा रोचक है, तो ये कैसे आप समझती हैं कि कैसे ये आया, कहाँ से संबंध समझ में ऐसा क्या है यहाँ पर? जो वेद है वो ऋग्वेद है, वो सबसे पहले है, नेचुरल से ले लिया अमीबा वालों ने, वेद से ये नाम लिया है, यही कह सकते हैं।
मैं तो ऐसी बहुत सिमिलरिटीज दिखा सकती हूँ, मैं तो बहुत सिमिलरिटीज दिखा सकती हूँ। जो साइंटिस्ट होगा उसने अपनी तरफ से करा, बाय चांस एक ही हो गया, या कि फिर उसने वेद पढ़ा हुआ था, ये कह सकते हैं, वहां से लिया है। तो वेद का तो पुराना पहला शब्द वेद का ही है, और एक बार नहीं आया, दो दो बार तीन बार आया है। तस्कर शब्द देखा आपने, तस्कर, और अभी स्मगलर होते हैं तस्कर, बिल्कुल वही शब्द है वो जो छू ग्रीन चैनल से सोने की ले ले। तस्कर तो हिंदी हुआ, स्मगलर अंग्रेजी हुआ, नहीं संस्कृत में वेद का शब्द है ना। वेद में प्रयोग जिस अर्थ में प्रयोग हो रहा है आज तक उसी अर्थ में प्रयोग हो रहा है, मैं ये दिखा रही हूँ। वो अमीवा में भी हो सकता है, इसलिए मैं ये बता रही हूँ। ऐसे बहुत से शब्द और भी मिल जाएंगे। हाँ तो ये तो कंपाइल कर आप करें तो बहुत रोचक होगा हम लोगों के लिए। ऐसे तो है, और भी शब्द मिल जाएंगे। धन्यवाद। मूषक वो मच्छर कब से हुए दास साहब बताएंगे, मेरे ख्याल से तो रामायण से हुए, जब मशक समान रूप कपि धरे ही, उन्होंने मच्छर के बराबर रूप धरा और लंका में रामायण में तो जिक्र है, बट पहले मच्छर का उल्लेख कहीं हुआ तो कोई बताए। वेदों में भी मशक का उल्लेख है, वेदों में भी मच्छरों का उल्लेख है। वेदों में भी मच्छरों का उल्लेख है, तो चिंता की बात नहीं है। सभी वेद, तस्कर भी वेद में, स्मगलर भी वेद में, मच्छर भी। ठीक है ठीक है, चलिए अन्य विद्वान भी बहुत रोचक ये प्रस्तुत किया, और ये मैंने पहली बार सुना है, ये मैंने कभी समाज के लेक्चर में भी ये बातें जब यहाँ देश में सुन वो हम समाज के लेक्चर